अब हम बात करने जा रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन की। सबसे पहले जानते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। जब आर्मेचर में करंट फ्लो करेगा, दैट मीन्स आर्मेचर कंडक्टर में जो करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो इसके अक्रॉस क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। दैट मीन्स ए मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी लिंक्ड विद द आर्मेचर कॉयल। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, फील्ड फ्लक्स से रिएक्ट करेगा। तो जो आर्मेचर फ्लक्स का जो इफेक्ट होता है मेन फील्ड फ्लक्स पे, उसी को बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन फील्ड फ्लक्स को दो तरीके से अफेक्ट करता है। पहला है कि वो उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, दूसरा है कि वो उसको वीक कर देता है। अब हम बात करते हैं आर्मेचर रिएक्शन की। ये कंडक्टर है, आर्मेचर कंडक्टर्स। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ पोल, इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो इनवर्ड होगा, और इन द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ पोल, इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो आउटवर्ड होगा। अब जब आर्मेचर कॉइल रोटेट नहीं कर रहा होगा, तो ये GNP है, मतलब कि ज्योग्राफिकल न्यूट्रल प्लेन, और ये MNP दैट मीन्स मैग्नेटिकल न्यूट्रल प्लेन। तो जब आर्मेचर कॉइल रोटेट नहीं कर रहा होगा, तो ये दोनों प्लेन्स आपस में बराबर होंगे। दैट मीन्स MNP और GNP दोनों एक ही एक्सिस पे होगा। लेकिन जैसे ही आर्मेचर कॉइल रोटेट करना शुरू होगा, मान लीजिए कि आर्मेचर कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये जो MNP है वो GNP से शिफ्ट कर जाएगा। अब जो इस कंडक्टर्स के अक्रॉस जो फ्लक्स डेवलप होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो दोनों फ्लक्स को जब सम अप करेंगे, तो नेट फ्लक्स जो आर्मेचर कंडक्टर के अक्रॉस है वो ओ ए, एंड द मेन फील्ड फ्लक्स विल बी ओ बी। ठीक है, तो ये कंडीशन है जब न्यूट्रल था, मीन्स आर्मेचर कॉइल रोटेट नहीं कर रहा था। ठीक है, जब आर्मेचर कॉइल रोटेट करना शुरू करेगा, तो जो ओ ए है उसका जो इंक्लाइनेशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो कम्यूटेटर एक्शन को वर्क करने के लिए ये जो ब्रश है वो आर्मेचर कॉइल के रोटेशन के कंडीशन में MNP के क्रॉस होना चाहिए। दैट मीन्स ब्रश विल बी एट दिस प्लेस। ओके, अब ओ ए के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक जो OC एक OD। अब यहाँ से आपको पता चलता है कि OC इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स। तो ये क्या कर रहा है, मेन फील्ड फ्लक्स को वीक कर रहा है। मीन्स नेट फ्लक्स विल बी हाउ मच, फ्लक्स ड्यू टू OB माइनस OC। ओके, तो नेट फील्ड फ्लक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो आर्मेचर रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स हो गए, OC और OD। OC को बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और OD को बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। अब जैसा कि हमने देखा कि आर्मेचर रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और दूसरा डीमैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग का जो इफेक्ट है वो मेन फील्ड फ्लक्स पर डायरेक्टली पड़ता है। ये डायरेक्टली मेन फील्ड फ्लक्स को डिटोरिएट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्लक्स या पोल को सडनली चेंज करता है। सडन चेंज इन फ्लक्स और पोल, इससे क्या होगा, इससे एक स्टैटिक ईएमएफ जनरेट होगा जो कि काफी लार्ज होगा। ये ईएमएफ कंडक्टर के अक्रॉस हाई करंट प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण कि एक कंडीशन डेवलप होता है जिसको बोलते हैं फ्लैश ओवर। दैट मीन्स हीटिंग ऑफ द कंडक्टर और बर्निंग ऑफ द कम्यूटेटर। फ्लैश ओवर मीन्स बर्निंग ऑफ कम्यूटेटर।
इस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग होता है कि पोल्स पे हम एक एडिशनल वाइंडिंग करते हैं जो कि ब्रश एक्सिस के अलोंग होता है। एडिशनल वाइंडिंग ओवर द पोल्स अलोंग द ब्रश एक्सिस, अलोंग द ब्रश एक्सिस। और ये क्या करता है, ये आर्मेचर से सीरीज में कनेक्टेड होता है। अब जब आर्मेचर से सीरीज में कनेक्टेड होगा तो जब वहाँ हमने ग्राफ देखा था, दैट इज ओ बी ओ ए, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एक अपोजिट फ्लक्स जनरेट करना जो कि आर्मेचर रिएक्शन को कैंसल आउट कर दे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंपेंसेटिंग वाइंडिंग।